फोर डट्स का ब्लाउज की कटिंग आज आपको सिखाते हैं। इसके लिए हमें यह अस्तर चाहिए होगा। अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और हमेशा ब्लाउज की हम पहले बैक काटते हैं और इसी तरीके से आप लोग भी काटें, आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। नीचे एक निशान लगाकर सीधा कर लिए कपड़े को और आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ देते हैं। और ब्लाउज की नाप आपके स्क्रीन पर शो होगी। इसकी लंबाई 14 इंच है और इसमें हम यहाँ से हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर का मार्जिन और 5.5 इंच का अरमोल खोलेंगे इसमें। गला इसमें 10 इंच पीछे खुलेगा तो 10.5 पर निशान लगाते हैं। और जब भी बड़ा गला खुले तो आप 5 इंच का शोल्डर रख दें, 2.5 इंच की ब्रॉडनेस, और यहां से अंदर की ओर डाउन कर लें, लगभग 2-3 सूत अंदर की ओर डाउन कर लें। गले का निशान लगा लेते हैं, इसकी ब्रॉडनेस 3 इंच रख देते हैं। यहां से डीप जितना चाहे आप ब्रॉड रख सकते हैं, यहां से 3, 3.5, 4। गला इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो गला आपका ना उतरेगा और ना फलकेगा, लेकिन जब पाइपिंग लगाए तो यहाँ से करीब 2-2.5 इंची सामना और बैक दोनों की पाइपिंग थोड़ा टाइट खींच लेगा इसके। यहाँ पर 5 रखा है, यहाँ पर नो कर लेते हैं 6.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। ये हमारी बन जाएगी बैक 1 इंची ऊपर से एक्स्ट्रा। 36 चेस्ट है तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, लेकिन जब इसमें गला थोड़ा बड़ा खुलेगा तो 0.5 इंच कम कर लेंगे, 8.5 लगाएंगे सन। 28 कमर है तो 28 का चौथा भाग 7.1 इंच की डट। और इस निशानों को आपस में मिला दीजिए ऐसे और लगभग 1.5 इंच का मार्जन। यहाँ से हमारी प्लेट बन जाएगी 1 इंच की और 0.5 इंच सामना हम लोग बैक को डाउन कर लेंगे इस तरीके से। सामने की ओर डाउन करके काटेंगे अगर तो गला आपका उतरेगा नहीं और अच्छा बॉडी पे आएगा। इस तरीके से सामने की ओर डाउन कर लेंगे। बाकी इस कपड़े को इस तरीके से घुमा लीजिए। उससे पहले क्या करना है कि कपड़े को हमें काट लेना है, जो अस्तरी कपड़ा है इस तरफ से निकाल लेना है काट के। कपड़े को इस तरीके से रखिए और एक निशान हुक की पट्टी का लगा दीजिए आगे से कन्नी से लगभग 0.5 इंच छोड़कर इस तरीके से, और इसी निशान पर बैग को बिछा लीजिए। और ऊपर क्या करना है, बैग के बराबर से हमें पूरा काट लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इस तरीके से घर में भी बहुत सी बहनें जो सीख रही हैं आराम से गर्ल्स को काट सकती हैं। गले के निशान को यहाँ से उठा लीजिए, एक निशान यहाँ पर उठा लीजिए आर्मोल्स का, और ये हमारा हो गया लंबाई का 1.5 इंच का लगभग दबाव रख देते हैं। आर्मोल्स के निशान को सीधा कर लीजिए। गला हमारे आगे 6.5 खुलेगा तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 7 इंच और इधर से 3 इंच के ब्रॉडनेस। इस तरीके से हमारा गला बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा शेप देते हुए सामने को थोड़ा गहरा कर लेना है, लगभग 3.25 इंची हमारी डट जैसे रहेगी। और ये ऊपर से बस पॉइंट है हमारा 10 इंच पर रेडी आएगी तो 10.5 पर हम लोग निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से 2.25 इंच की एक डट क्रॉस, यहाँ से भी 2.25 इंच की डट क्रॉस लगेगी और इस निशान से इस निशान पर ऐसे रख करके 2.5 इंच की यहाँ से ऊपर प्लेट ये पड़ जाएगी। एक प्लेट हमारी खींच ली गई और एक प्लेट इस तरीके से।
ही आसान और सिंपल तरीका। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा यहाँ रख दीजिए और इसको निशान लगाने के बाद दो सूत और आगे बढ़ा लीजिए, जो प्लेट है सीम हमारी दब जाएगी। 28 कमर है तो चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच की डट रहेगी। ये निशानों को सीधा कर लीजिए और यहाँ पर 1.5 इंच दबा लेने के बाद 1 इंच का क्रॉस कर लीजिए और ऊपर से भी क्रॉस मिला दीजिए। ये हमारे सामने की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये डायरेक्ट हम लोग अस्तर पे काट रहे हैं और ये कस्टमर का काम है, जो जिस तरीके से हम बनाते हैं इस तरीके से आप लोग भी अपनी कटिंग कीजिए और ब्लाउज को बनाएं। आपके ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आएगी और कस्टमर की कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सीधा कस्टमर के काम को ही आपको दिखा रहे हैं करके, ये नहीं कि हम लोग कुछ दूसरा करें दूसरा बताएं कुछ दूसरा। देखिए इस तरह यहाँ ये और इसको भी क्रॉस कर लीजिए और इससे गले के पास रहकर हमारे सामना और बैक करके अस्तिन इसकी फुल रहेगी। और आपको भी हम दिखा देते हैं काट के सीधा कपड़े पर भी। ये देखिए ये हमारे कस्टमर का काम है और डायरेक्ट हम लोग आपको कपड़े पर भी काट के दिखा देते हैं। ये जो पल्ला है इसमें अस्तिन लगा लेंगे और घर ये जो है इसमें हम लोग बैग बना लेंगे। इस तरीके से कपड़े को बना के डबल फोल्ड कर लेते हैं। बैक हमारी यहां से कट जाएगी और सामना हमारा इस तरीके से कट जाएगा और ये हमारी निकल आएगी यहां से आस्तीन। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आपको सिखा रहे हैं कटिंग, ब्लाउज की हो चाहे पैंट की हो शर्ट की हो, उस तरीके से आप लोग भी काट कर बनाएं। आप कभी कोई भी पीस जो बनाएंगे अच्छे से बनेगा और कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा काम जो आपको हम सिखा रहे हैं कस्टमर के कपड़े के ऊपर काट कर सिखा रहे हैं, ना कि कोई फालतू का कपड़ा लेकर ताकि हम आपको बताएं कुछ और करें कुछ। तो देखिए सीधा हम लोगों ने कपड़े को भी इस तरह काट लिया है। अब इस तरीके से कपड़े को काट लेंगे और अपना हम ये ब्लाउज रेडी कर लेंगे। तो बने रहें दोस्तों चैनल पर, लगातार आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।